गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी? अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड 12th सब्जेक्ट बायोलॉजी। ठीक है, आज का टॉपिक है माइक्रो प्रोपेगेशन एंड प्लांट टिश्यू कल्चर। स्टार्ट करते हैं बेटा। कल आपने देखा कुछ मेथड्स थी, ये भी किसके अकॉर्डिंग आएगा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग। कल हमने कुछ इम्पोर्टेंट जो आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन की मेथड थी, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, एयर लेयरिंग, ठीक है, ये कंप्लीट की। आज स्टार्ट करते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। तो माइक्रो प्रोपेगेशन होता क्या है और प्लांट टिश्यू कल्चर, तो स्टडी करते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। हेडिंग, माइक्रो और प्लांट टिश्यू प्लांट टिश्यू कल्चर। ठीक है बेटा, तो पहले नोट कर लेते हैं कि ये है क्या। माइक्रो प्रोपेगेशन is the technique of production of new plants from new plants from sorry from cells or tiny piece of plant tissues that are removed from the growing tip of a plant and put into a suitable growth medium called the culture solution to produce
कैलस विच गेट्स डिफ्रेंशिएटेड into ठीक है बेटा, माइक्रो प्रोपेगेशन की मेथड क्या होती है और प्लांट टिश्यू कल्चर। माइक्रो प्रोपेगेशन इज द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट। ये टेक्निक किसकी है? प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट। जनरली जो हाइब्रिड सीड होते हैं वो माइक्रो प्रोपेगेशन की मेथड के थ्रू क्रिएट होते हैं फ्रॉम सेल्स ऑफ टिनी पीस ऑफ प्लांट्स टिश्यूज। और ये जो न्यू प्लांट को ग्रो करते हैं या न्यू प्लांट का प्रोडक्शन होता है वो किससे होता है? टिनी पीस ऑफ प्लांट टिश्यू। यहाँ पर एक स्मॉल टिनी प्लांट का जो टिश्यू रहता है उसको कल्चर करने के लिए लेते हैं दैट आर रिमूव्ड फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ अ प्लांट एंड पुट इन टू अ सुटेबल ग्रोथ मीडियम। यहाँ पर ग्रोथ मीडियम, यहाँ पर जनरली अगार मीडियम ये मार्केट में या लेबोरेटरी के लिए यूज़ होते हैं। यहाँ पर ये क्या होते हैं? कल्चर मीडियम होते हैं। जब किसी को हम किसी टिश्यूज़ को या उसके किसी भी पार्ट को क्या करना रहता है, कल्चर या प्रोडक्शन करना रहता है, तो यहाँ पर कल्चर अगार मीडियम यूज़ किया जाता है। ग्रोथ मीडियम कॉल्ड द कल्चर मीडियम टू प्रोड्यूस कैलस। यहाँ पर जो कैलस होता है वो एक कहना चाहिए कि जब प्लांट ग्रो होने लगता है तो वहाँ पर एक मास फॉर्म क्रिएट हो जाता है। एक मास मतलब बहुत मोटे टाइप का मास टाइप का क्रिएट हो जाता है कैलस। ये किससे क्रिएट होता है? टिश्यू से। किससे क्रिएट होता है? टिश्यू से। विच गेट्स डिफ्रेंशिएटेड इनटू अ प्लांटलेट्स। फिर इस जब जो कैलस क्रिएट होता है, अब ये कैलस किस में ग्रो हो जाता है? प्लांट में ग्रो हो जाता है। तब इन प्लांट से जब कैलस ग्रो होगा तो इसको अदर से हम ग्रो करके एक न्यू प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये तो हुई माइक्रो प्रोपेगेशन की डेफिनेशन। अब जरा इसको हम डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं कि किस टाइप से कल्चर मीडियम तैयार किया जाता है और किस टाइप से हम वहाँ पर टिनी प्लांट टिश्यूज़ को क्या करते हैं, लेते हैं और उसको किस टाइप से ग्रोथ मीडियम में ग्रो होने के लिए डालते हैं, फिर वो किस टाइप से कैलस में चेंज होता है। यहाँ पर फर्स्ट लेते हैं टिश्यू सैंपल। क्या लेते हैं? टिश्यू सैंपल। टिश्यू सैंपल स्क्रैप्ड फ्रॉम पेरेंट प्लांट। ठीक है बेटा, अब क्या होता है जो टिश्यू सैंपल है इसको कहाँ पर? टिश्यू सैंपल, टिश्यू सैंपल्स को कहाँ पर प्लेस्ड करते हैं? अगार मीडियम में। अगार ग्रोथ मीडियम, और जो अगार मीडियम है ये क्या किसको कंटेन किए हुए रहता है? न्यूट्रिएंट्स को। न्यूट्रिएंट्स, ठीक है भाई। अब यहाँ से जो सैंपल आपने किस में ग्रो होने के लिए रखा है? अगार मीडियम में। तो यहाँ क्या होता है? सैंपल डेवलप होता है। सैंपल्स डेवलप इनटू टिनी प्लांटलेट्स।
जो टिनी प्लांट ग्रो हुआ है प्लांटेड इनटू कंपोस्ट, और यहाँ पर क्या होगा, प्लांट्स ठीक है भाई, ये माइक्रो प्रोपेगेशन और किसकी टेक्निक है, माइक्रो प्रोपेगेशन जरा चेक करिए। टिश्यू सैंपल स्क्रैप आपको लेना है किससे, पैरेंट प्लांट से, ठीक है, ये टिश्यू लेना है। फिर इसको क्या करना है, टिश्यू जो सैंपल आपने लिया हुआ है इसको कहाँ पर ग्रो करने के लिए प्लेस्ड करना है, अगार मीडियम। अब अगार मीडियम ये क्या है, कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स, यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे जो कि प्लांट्स के लिए नीड होगी। सैंपल्स डेवलप इंटू टिनी प्लांट्स, यहाँ पर जो प्लांट्स आपने लिया हुआ है, टिश्यूज लिए हैं, वो किस में चेंज हो जाएंगे, टिनी प्लांट में, और उन प्लांट को आप निकाल कर किस में कंपोस्ट करें, किस में प्लांटेड करेंगे, कंपोस्ट में, तो यहाँ से न्यू प्लांट क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक, नेक्स्ट लेते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन की जो मेथड है इसकी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। कुछ एप्लीकेशंस एडवांटेजेस, ठीक है भाई, अब यहाँ पर देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो is one of the best, one of the best in vitro commercial applications of plant tissue culture that has become and industrial technology used for in vitro clonal
प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट हॉर्टिकल्चरल एंड मेडिसिनल मेडिसिनल प्लांट्स प्लांट्स फ्रॉम स्मॉल प्लांट पार्ट। ठीक है भाई, यहाँ पर जनरली जो माइक्रो प्रोपेगेशन की मेथड है इसका जनरली यूज़ कॉमर्शियल एप्लीकेशन है ना, इन विट्रो क्लोनल प्रोपेगेशन और इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी के लिए, और कुछ हॉर्टिकल्चर्स और मेडिसिनल प्लांट को ग्रो करने के लिए किया जाता है। इसके नेक्स्ट देखते हैं बेटा एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन। एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन, फर्स्ट द मेन एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन is the production of many plants that are clones of each other। ठीक है भाई, सेकेंड माइक्रो प्रोपेगेशन, माइक्रो प्रोपेगेशन can be used to produce disease free plants। ठीक है भाई, एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन। तो फर्स्ट है द एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ मैनी प्लांट्स दैट आर क्लोन्स ऑफ ईच अदर। तो यहाँ पर क्या होते हैं क्लोन्स, क्या जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स के ऊपर अगर मैनी फॉर्म उसको मैनी प्रोडक्शन करते हैं तो वो क्या होते हैं क्लोन्स होते हैं। माइक्रो प्रोपेगेशन कैन बी यूज टू प्रोड्यूस डिसीज प्लांट। ठीक है, जो माइक्रो प्रोपेगेशन की मेथड्स होती है उससे क्या होते हैं हम डिसीज फ्री प्लांट्स को ग्रो करते हैं। ठीक है बेटा, ये तो हुए आपके क्या माइक्रो प्रोपेगेशन की मेथड और प्लांट टिश्यू कल्चर। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप राइट करिएगा एडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस। क्लियर,
आज के लिए इतना ही, ठीक है, ये कंटिन्यू करिएगा। ओके, थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।